आप लोग बताइए कि कौन तरबूज है यहाँ पका है जो मीठ होगा। आइए है करिए, इधर आइए, कब के आइए, लसाड़िएगा मत आप लोग भाई, खेत मत लसार दीजिएगा। इधर आइए, हम आपको बताते हैं, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए भाई साहब, इधर आइए, इधर आइए, नज़दीक में आइए। नहीं नहीं पका है, इधर आइए, ये भी नहीं पका, इधर इधर नज़दीक नज़दीक आके दिखाइए ना, ये भी नहीं पका है, देखिए अभी नेताजी कौन पकल तो ये भी नहीं पका है, ये पका है और ये भी पका है, क्या जी, ये दोनों पका हुआ है। ये रहा, मिल गया तरबूजा, ये तजुर्बा नहीं है, ये तरबूजा है। आइए भाई मेरे, चले ना मचान पे, रुकिए। आइए आइए, पूरा का पूरा तरबूजा के खेत में हम लोग, आइए इधर दिखाते हैं, और आइए दिखाते हैं, देखिए सब तरबूजे हैं, जहां तक नजर चला जाएगा, जहां तक नजर जाएगा वहां तरबूजा ही तरबूजा है। मेरे पास ये तरबूजा है, कुछ तरबूजा काटने पर थोड़ा व्हाइट रह जा रहा है, कोई पका नहीं है, कोई लाल होता है, तो आप सभी गेस करके बताइए कमेंट में, पहले लिखिए कि यह तरबूजा देख के कैसा लग रहा है, थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा आखिर इसको, थोड़ा नजदीक से दिखाइए, तरबूजा देख के कैसा लग रहा है, लाल है कि नहीं है, पका है कि नहीं पका है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब मैं चल रहा हूँ इस तरबूजा को काटने, ठीक है, तरबूजा को काटने चल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि लाल है, इस ये हुआ हार्ड लाल, इतना कितना लाल है, ये जो है इसको खाया जाएगा तो बहुत मीठा लगता है, अंदाजा लग रहा है कि चीनी मिलाया हुआ है, इतना मीठा लग रहा है। सेम ये यह तरबूजा जो है उतना लाल है कि नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए और कमेंट करके बताइए कि लाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपको देख के कैसा लग रहा है। अब मैं चल रहा हूँ इसको काटने चल रहा हूँ, जल्दी काटिए नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा, प्राण निकल जाएगा, नहीं काटेंगे जल्दी तो इनका प्राण निकल जाएगा। राहुल भाई पहले आप ही बता दीजिए लाल है कि कैसा है, हम तो जान गए हैं, इनके हाथ में लक्षण नहीं है, लक्षण नहीं है। चलिए लक्षण है कि नहीं हमारे हाथ में, इनका लग रहा है 90% लाल है, ये देखिए ये तो सब लक्षण अनुर लगा बता रहा है, वैसे ना मिली जा, ये तो सबसे ज्यादा लाल है, इससे भी ज्यादा लाल है, काटने के बाद तोरा ना मिली है, वैसे सबसे ज्यादा लाल है, कहां से फर्स्ट बॉस वाला जरा काटे है, खेत में आकर देख लीजिए, ये इतना लाल, इतना लाल तरबूजा है, और देख लीजिए सबसे बड़ा चीज है इस आदमी के अंदर कितना जलन है, खराब बता तू मत, लाल लाल चीज है, खराब बता तू मत, खराब बता तू मत, ज्ञान कर चुके हैं 200 लाल है, जिसमें आपका लाल निकला है, केने 10 को कटनी है तनी बताइब, और ये दो को तो कटाइबे कइल, यहां दिखाइए ये क्या पहले का है, पहले का है, देख लीजिए, अच्छा देखिए देखिए, खेत में छोड़ दिया हम लोग, देखो पहले का है कि नहीं पहले का है, हम थोड़े काटे हैं, आइए आइए आइए, इधर दिखाइए, ये पहले का, लेकिन देखिए ये है, अगर खराब है तो तू मत खा, ठीक बा, खराब मत खा, कहो खराब है तो सच में चाकू लाइए घरे, एक राहुल बालू जैसा नहीं रहता है, जो ढूंढा जा रहा था वही है, मजेदार है, ना ले ना चकुआ, है पहला उन्हें, है ना, एक मिनट लीजिए ना, चकुआ दे दीजिए, लाल भी दे लीजिए, इधर दीजिए, ना हाइट दीजिए हमको, वो टिंकू भाई को दीजिए, टिंकू भाई को खिलाइए, और टिंकू भाई को खिलाइए, बड़ा बड़ा मुश्किल से ओटीपी उनकी वाइफ भेजी है, ओटीपी आया है, ओटीपी से भेजला ना, कन्फर्मेशन मिला तब वो ऐलान चौर में, ये इस रेगिस्तान में हमने के संग है, रुक जा भाई, टिंकू भाई को खिलाइए, यही खोज रहे थे, बलुआ टाइप का नहीं है, अच्छा लगता है, मीठा लगता है, साइड में हम लोग चार व पांच व लाल में तरबूजा का मजा अगर लेना है तो रेगिस्तान में आना पड़ेगा, और जो हमनी का जो दियरा क्षेत्र है, ये दियरा क्षेत्र का तरबूजा पूरा बिहार में फेमस है, मतलब हम आपको बता रहे हैं, यहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लगभग 500 ट्रक मेन रोड पर लगे हुए हैं, 500 ट्रक, जी हाँ 500 ट्रक मेन रोड पर लगे हैं, अब पिकअप का तो खैर काउंटिंग नहीं कि कितना पिकअप यहाँ से ढोवाता है, तो सबसे बड़ी चीज है, एक मिनट रुकिए ना, पहले बता जानकारी तो दी नहीं, तो ये तरबूजा का जो मजा है, अगर आपको सच में लेना है तो खरीद के तो आप लोग खा ही लेते हैं शहर बाजार में से खाते हैं, लेकिन ओरिजिनल तरबूजा का मजा लेना है तो रेगिस्तान में आइए, और इस तरह दियरा क्षेत्र में मजा आ जाएगा। वाह, उज्जर उज्जर, अब इसको हम
हाफ पा ऐसे काटेंगे। इसको आरी आरी से पहले काट देंगे। गिजिए मत। अरे गजब हाल भाई, देखा तेरा क्या गिजाता है। वो ऐसे खाए ना। हाँ 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 खा तू खा। ओरिजिनल मजा इसका यही है खाना। देखिए हाँ तो तरीके से ना खाएंगे। टिंकू भाई को और दीजिए ना। तकिए ना है ना। तकिए ना। हाँ खा ना खा 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 खा। सही बात है। ओरिजिनल तरबूजा खाने को वही थी, वैसे ही खाया जाता। तू खा। हम खा रहे नहीं क्योंकि दोनों हाथ से खा रहे हैं। तरीका से खाया जाएगा। ये देखिए ये देखिए अब हम बता रहे हैं ना। अरे भाई अच्छा तरबूजा खाने में आपका नाक ना लगे, मुंह ना लगे, मोच ना लगे, दाढ़ी ना लगे। ये देखिए बानर ना जाने। खरे में से डंडा निकाले, खरे से डंडा निकाले उसमें से। अब भाई पकड़िए किसको चाहिए। पकड़ा हम बताए। इधर आइए भाई साहब, इधर आइए। अब देखिए आप जो है सो यहाँ से हम काटेंगे इसको। अब यहाँ से लकड़ी निकाल लिए। ये बतिया रहे थे है ना ये। हाई हाई देखिए ये देखिए इसको हुआ और इसको ऐसे गाथेंगे ऐसे और फिर निकाल निकाल कर। किसान का काम नहीं है। देखिए बता रहे हैं और तो हम काटे हैं लेकिन कभी कभी बूढ़ी भी लगाना चाहिए जुगाड़ू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी क्या सोचते हैं और किसान को प्यार करते हैं, किसान के मेहनत को प्यार करते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइए। और तरबूजा का खेती भी ऐसा है कि आप तरबूजा का खेती करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं और वो ताकत है किसानी में और किसानों के हाथों में। आपके हाथ में जोश नहीं है। क्या बात करते हैं। जोन काट रहे हैं आपका चा निकल जा रहा है। ऐसा थोड़े होता है। पकड़िए हमारा तरबूजा छोड़ कर आए उठा कर आए। और ये देखिए तरीके मजा है। मलाईदार रसदार तरबूजा आपके सामने हाजिर करते हैं। ये तरबूजा है या तजुर्बा नहीं है। क्या है ये तजुर्बा नहीं है, ये तरबूजा है। ठीक है तो आइए हम लोग तरबूजा का आनंद लेते हैं। पकड़िएगा भाई देखिए लाइए आप लोग। काट के खाने में मजा नहीं आएगा समझे। ऐसे उठाइए समझे, ऐसे खाइए। मतलब दाढ़ी से भी खाना है, दांत से भी खाना है। जी भाई हम समझ रहे हैं भाई, आप अपना हिस्सा उठा लिए। बहुत आनंद आता है उसे खाने में। भरमू चलिए ये आपका टिंकू जी का है। भाई टिंकू जी का है, भाई सोनी सिंह का है। ले लीजिए आप इसको। अब अपना अपना खाइए आप लोग। चाकू दीजिए काटते में तो मैं। तो के लेंगे मुंबई घर वाला। हां तो का ये रहा फिर गलत है। मुंबई के लोग खाली चाकू से 5 किलोमीटर पैदल बालू में चलने के बाद ही देख लीजिए भाई। 5 किलोमीटर बालू में चलने के बाद ही तरबूजा नसीब हुआ है। अब क्या बताएं, मीठा है बहुत अच्छा है लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि देश का किसान तरबूजा उगाने के लिए या खीरा ककड़ी जो भी खेती होती है, क्योंकि यहाँ फसल जो होता है कि यही होता है। गेहूं वगैरह धान वगैरह बहुत कम मात्रा में यहाँ पे हो पाते क्योंकि बाढ़ आ जाता है, नदी में पानी आ जाता है। लेकिन किसान एक तरबूजा ककड़ी खीरा लौकी उपजा करके ही अपना परिवार का भी भरण पोषण करता है और समाज का भी भरण पोषण करता है, वह किसान होता है। तो किसानों के साथ हमेशा उचित कार्य होना चाहिए, उचित सम्मान मिलना चाहिए। इधर दिखा दीजिए, जिधर तक आपका नजर चला जाएगा उधर तरबूजा की खेती हुई है, ककड़ी की खेती हुई है, खीरा की खेती हुई है और लालमी की खेती हुई है। इसमें तरबूजा में भी दो प्रकार के, काला वाला एक व्हाइट वाला जो है आप देख रहे हैं। हर प्रकार का खेत आपको मिलेगा यहाँ पर। और सच में पूछिए तो काफी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। बहुत मीठा तरबूज है, अच्छा भी लग रहा है खा के यहाँ पर देख करके। लगभग यहाँ पे 8-10 खीरा हम लोग काट के खा चुके हैं। मजा भी आ रहा है, घूमने में मजा आ रहा है।